नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज 9X। आज 4 दिसंबर 2019 है। 4 दिसंबर 2019 की बड़ी खबरें क्या है? बिहार के मुख्यमंत्री का जल जीवन हरियाली यात्रा चंपारण से शुरू हो गई है। इस अभियान को तेज करने का संकल्प दोहराते हुए उन्होंने कहा कि 19 जनवरी को इसी मुतल्लिक ऐतिहासिक मानव श्रृंखला सभी जिलों से निकाली जाएगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में अपराध चरम पर है, सरकार हर मोर्चे पर फेल है। मकर संक्रांति के बाद इन्हीं सब मुद्दों को लेकर वे विभिन्न जिलों की यात्रा करेंगे। बिहार में 24 घंटे के दौरान 2 अलग अलग पेट्रोल पंप से अपराधियों ने लाखों की लूट मचाई। पहली घटना गया जिले के नरेश फ्यूएल सेंटर में घटी, वहां 7,40,000 की छिनतई हुई। दूसरी घटना समस्तीपुर की है, वहां भी पिस्तौल की नोक पर अपराधियों ने 2 लाख लूट लिया। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि अगले साल जून 2020 से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड लागू हो जाएगा। अब तक 14 राज्यों को POS मशीन उपलब्ध करा दिया गया है, जल्द ही शेष राज्यों में भी इसकी व्यवस्था कर दी जाएगी। एक तरफ बिहार का गौरव, मुजफ्फरपुर की बेटी शिवांगी ने पहली महिला नेवल पायलट बनकर बढ़ाया, तो दूसरी तरफ दरभंगा के तुमौल गाँव के सुशांत मिश्रा ने अगले माह होने वाले दक्षिण अफ्रीका अंडर 19 वर्ल्ड कप में चयनित होकर बिहार का मान बढ़ाया है। दरभंगा में छेड़खानी करने वाले युवाओं को कोर्ट ने अद्भुत सजा सुनाई। जेल से निकलने के बाद ये युवा 15 दिनों तक लड़की से माफी मांगेंगे और स्थानीय स्कूल में झाड़ू लगाएंगे। हमलावरों ने कटिहार जिले के कदवा में एक दुकानदार को भून डाला, उसकी वहीं मौत हो गई। मृतक की पहचान शंकर शाह के रूप में की गई है। पुलिस मामले की गहन तफ्तीश कर रही है। पूर्णिया शहर के कृष्णापुरी में मंगलवार की देर संध्या शराबी को पकड़ने गई पुलिस उल्टा फंस गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को ही बंधक बना लिया। अभी हैदराबाद में वेटनरी डॉक्टर कांड का मामला शांत नहीं हुआ कि बिहार के बक्सर में हैदराबाद जैसी घटना घटी। बक्सर आरा मार्ग पर अज्ञात युवती की अधजली लाश मिली है। पोस्टमार्टम कर रही टीम ने भी दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई है। हैदराबाद की वेटनरी डॉक्टर दुष्कर्म कांड को लेकर फेसबुक पर पीड़िता की तस्वीर के साथ अभद्र टिप्पणी करने वाले एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। वह निजामाबाद इलाके का बताया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए पाकिस्तान के नापाक इरादे कम नहीं हो रहे। पिछले दिनों भारत नेपाल की सीमा से सटे जोगबनी में SSB की चेकिंग में पकड़े गए कुरियर और नकली नोटों की बरामदगी से इसका खुलासा हुआ है। भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग पर एक बाइक पर सवार पति पत्नी पहले टेम्पो से टकराया और इसके बाद दोनों को तेज रफ्तार से जा रही ट्रक ने रौंद दिया। इस घटना में पति की मौत हो गई जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल है। मृतक सिंहरौन गांव का बताया जाता है। भागलपुर जिले के कहलगांव के एक प्राइवेट स्कूल के गार्ड की मौत ट्रेन की ठोकर से हो गई। वह रक्षे स्थान पूजा करने गया था, रक्षे स्थान हॉल्ट पर चलती ट्रेन से ठोकर लग गई। मृतक का नाम मंटू बताया गया। भोजपुर के मोहली खवासपुर को जोड़ने वाला मोहली पीपा पुल चालू हो गया। इस पुल के चालू होने के साथ बिहार और उत्तर प्रदेश का एक और सड़क संपर्क बढ़ गया। नालंदा के मसियाडीह गाँव में एक ही परिवार के पति पत्नी और बेटी की हत्या कर दी गई और लाश को गांव के बगल में फेंक दिया गया। इस घटना से पूरा इलाका थर्रा गया है। पुलिस मामले की गहन तफ्तीश कर रही है। नामांकन के नाम पर ठगी के आरोप में छपरा के गंगा सिंह कॉलेज के छात्र उग्र हो गए। छात्रों ने क्लर्क के विरुद्ध नारे लगाए और कॉलेज में तोड़फोड़ भी की। बिहार बोर्ड प्रारंभिक शिक्षा में नामांकन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगा। यह प्रवेश परीक्षा सत्र 2020-22 के लिए होगा। विशेष जानकारी www.biharboard.vivid.com पर उपलब्ध है। जमुई झाझा रेलखंड के जमुई रेलवे स्टेशन के निकट ट्रेन से गिरकर एक महिला की मौत हो गई। उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। उसकी उम्र करीब 60 वर्ष बताई गई। सुपौल में प्रारंभिक शिक्षा की लचर व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों ने स्कूल में ताला लगाना शुरू कर दिया है। ग्रामीण ने 2 स्कूल में ताला जड़ा है और बताया कि शिक्षक समय से स्कूल नहीं आते, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। SSB ने मोतिहारी में इंडो नेपाल बॉर्डर से सटे सिंहवलिया गांव के पास 18 लाख के गांजा के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। श्रमिकों के कल्याण एवं विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि 5 साल तक प्रधानमंत्री मानधन योजना के तहत राज्य सरकार प्रीमियम देगी। इसमें 18 से 40 साल वाले मजदूरों को लिया जाएगा। अभी अभी खबर मिली है कि सहरसा जिले के जलई ओपी क्षेत्र के अंतर्गत एक पोखर में एक युवक की लाश मिली है। कयास लगाए जा रहे हैं कि गोली मारकर उसकी हत्या की गई है।
इस घटना को लेकर वहां बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। ये थी बिहार की 21 बड़ी खबरें। खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर हमारा ये वीडियो आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर हमारा ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।